हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ। इसी के तहत आज हम स्विंग ट्रेडिंग के ये जो दो स्टॉक हैं तो इनका एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इस स्टॉक में आज जो है लो देखेंगे तो 39.75 का था, बट क्लोजिंग जो है 40.7 पे हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड वाली लाइन थी तो ये 200 EMA की थी और इसी से जो है स्टॉक वापस ऊपर की तरफ गया है। क्लोजिंग भले लो से 1 रुपीज ऊपर का दिया है, बट ये कहीं ना कहीं इसका जो है एक एज स्पोर्ट जो है इसने काम किया है 200 EMA ने। तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे जो है 40.05 वाला है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जब कोई स्टॉक के ऊपर जो है स्पोर्ट लाइन बनती है तो ये जब ब्रेक होती है और फिर ये ऊपर रेजिस्टेंस का भी काम करती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे 13 दिसंबर का, तो ये वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा आया था और यहाँ पे देख सकते हैं 9% का जो है यहाँ पे ग्रीन में दिखेगा आपको, यानी जो पॉजिटिव गया था स्टॉक और उसके बाद में जो है यहीं पर 2-3 दिन रहा और अचानक जो है मार्केट की गिरावट के बाद ये नीचे आया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हायर चांसेज है कि यहीं से ऊपर जाएगा, तो अगर आपने ख़रीद रखा है तो आप एवरेज कर सकते हैं थोड़ा एनालिसिस करके, और नहीं तो आप होल्ड कीजिए और इसमें जो है आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। तो आज का अगर दूसरा स्टॉक देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस स्टॉक में ये जो है मैंने स्पॉट लाइन बताई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी 1300 के आसपास चल रहा है स्टॉक और ये है 1200 के आसपास, तो लगभग 7-8% नीचे जो है इसमें स्पॉट है। तो थोड़ा एनालिसिस करके यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, और कल जो है फ्राइडे है तो यहाँ पे आप थोड़ा एनालिसिस करके एंट्री लीजिए, और अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो इसमें श्योर शॉर्ट जो ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10-12% के रिटर्न इजीली देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक हैं 10-12 दिन के जो हैं टाइम फ्रेम में 10-12% के प्रॉफिट हो जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा जो है स्टॉक सिलेक्शन रहेगा। और मैं जो भी स्टॉक लेके आता हूँ ऑलमोस्ट 80% तक एक्यूरेसी रहती है, बट खुद थोड़ा एनालिसिस करके एंट्री लीजिए और इसको एज स्टडी पर्पज ही समझिए और पेपर ट्रेडिंग में यूज़ कीजिए, और एनालिसिस खुद करेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इन फ्यूचर जो है आप खुद जो है ये स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट लेके आता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और इसी तरह के अपडेट लेके आता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।